दो बीघा जमीन से शुरू की थी जीरे की खेती, आज 60 करोड़ का है टर्नओवर। सफलता की ये कहानी राजस्थान के जालौर जिले के उस युवा किसान की है, जिसके घर वाले चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन उसका मन खेतीबाड़ी में ही अपना भविष्य बनाने का था। इस नौजवान का नाम योगेश जोशी है, जिन्होंने अपने घर वालों के लाख समझाने के बाद भी सरकारी नौकरी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और जुट गए जैविक खेती करने में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। योगेश को खेती में इंटरेस्ट तो था ही, इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिप्लोमा किया। लेकिन घर वाले चाह रहे थे कि योगेश गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। उनसे कहा गया कि अगर खेती का शौक है तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनकर खेती और किसानों की सेवा करनी चाहिए। सीधे तौर पर किसान बनकर खेती करने का जोखिम मत उठाओ, क्योंकि उस वक्त जैविक खेती का इतना चलन नहीं था। इसलिए शुरुआत में योगेश ने इस बात पर फोकस किया कि इस क्षेत्र में कौन सी उपज लगाई जाए जिसकी मांग ज्यादा हो और मुनाफा भी अच्छा हो। उन्हें पता चला कि जीरे को नकदी फसल कहा जाता है और उपज भी बम्पर होती है। उन्होंने इसे ही उगाने का फैसला किया। दो बीघा खेत में जीरे की जैविक खेती की, वो असफल हुए पर हिम्मत नहीं हारी। केवल 7 किसानों के साथ जैविक खेती को शुरू करने वाले योगेश की शुरुआती राह आसान नहीं थी। उनसे जुड़े किसानों को तो इस बात का भी भरोसा नहीं था कि बिना यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड्स डाले खेती भी हो सकती है। योगेश ने जोधपुर स्थित काजरी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण के शर्मा से जैविक खेती की ट्रेनिंग ली। उसके बाद पहली बार इन किसानों को जीरे की फसल में कामयाबी मिली। किसी वक्त में बड़ी मुश्किल से 7 किसानों के साथ हुई शुरुआत में आज 3000 से ज्यादा किसान साथी जुड़े हैं। 2009 में उनका टर्नओवर 10 लाख रुपए था। उनकी फर्म रैपिड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड और 2 अन्य सहयोगी कंपनियां, इनका सालाना टर्नओवर आज 60 करोड़ से भी ज्यादा है। योगेश की पहल के चलते इंटरनेट के जरिए एक जापानी कंपनी से संपर्क हुआ, वहां के रिप्रेजेंटेटिव आए और किसानों को एक अच्छा ऑर्डर मिला। इसके बाद किसानों ने उन्हें जीरे की सप्लाई की, जिसे बहुत पसंद किया गया। कंपनी ने एक टाइप किया, जिसके चलते उनको जीरा, सौंफ, धनिया, मेथी आदि की सप्लाई करनी थी। इसी तरह अमेरिका को भी इन किसानों ने मसालों की सप्लाई की। इन दिनों हैदराबाद की एक कंपनी ने इन किसानों के साथ उनके ही खेतों में 400 टन किनोवा का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस खेती में बीज से लेकर फर्टिलाइजर तक सब कुछ यही किसान मुहैया करवा रहे हैं। पूरी तरह से ये बायबैक खेती है एग्रीमेंट के साथ। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होने पर किसानों की उपज को खरीदा जाता है। जिस किसान के पास सर्टिफिकेशन नहीं होता, उसे अपनी उपज बेचने के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं। इस समस्या के लिए भी योगेश ने एक उपाय निकाला, जिसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नाम दिया गया। इस सुविधा के तहत जिन किसानों के पास सर्टिफिकेशन नहीं होता पर वो पूरी तरह से जैविक खेती कर रहे होते हैं, वो उनकी उपज भी खरीदते हैं। अमेरिका की एक कंपनी इनके साथ इसी कारण से जुड़ी है। कंपनी की पहली यही शर्त है कि उपज केमिकल फ्री हो। आज किसानों का ये ग्रुप जीरे के अलावा धनिया, मेथी, सुआ, कलौंजी, किनोवा, चिया सीड्स, गेहूं, बाजरा, मस्टर्ड सहित पश्चिमी राजस्थान में आसानी से हो सकने वाली सभी फसलों की जैविक खेती कर रहा है। फर्म रैपिड ऑर्गेनिक देश की पहली कंपनी है जो जीरे को लेकर ट्रेड फेयर में उतर रही है। जैसे जैसे योगेश और उनसे जुड़े 3000 किसान आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें देखकर दूसरे किसान भी इंस्पायर हो रहे हैं और उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। योगेश सभी जुड़े हुए किसान साथियों से तालमेल बनाए रखने के लिए हर 3 माह में मीटिंग करते हैं। उनकी नजर में कामयाबी का पहला उसूल यही है कि किसानों के साथ उनके रिश्ते अच्छे हों। योगेश को कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए कई जगहों पर सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न कृषि सम्मेलनों में किसानों को संबोधित करने के लिए भी बुलाया जाता है। आने वाले समय में अपने किसान साथियों के साथ मिलकर 1 अरब रुपए के टर्नओवर की मंशा रखने वाले जोशी जल्द ही एफपीओ बनाने जा रहे हैं। रैपिड ऑर्गेनिक भी इसी एफपीओ से माल खरीदेगी। खर्च निकालने के बाद बचे मुनाफे को किसानों में बांटने की योजना है। वो हर साल CSR की मदद से 10 से 20 लाख रुपए किसानों के लिए और साथ ही उनकी संतानों के लिए मेडिकल कैंप, शिक्षा आदि पर खर्च कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए कमेंट करें। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।